कल अली गौनी की एक इंस्टाग्राम स्टोरी जासमिन भसीन, राहुल वैद्य और दिशा परमार के लिए पड़ गई भारी, एंड स्पेसिफिकली फॉर जासमिन भसीन, जहां पर उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया था जिसकी वजह से सिद्धार्थ शुक्ला फैंस तो भड़के ही थे, साथ ही जासमिन फैंस भी भड़क गए थे अली पर। आखिर क्या है ये पूरी खबर, चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। अब आप सोच रहे होंगे कि इनकी लंच डेट से सिद्धार्थ शुक्ला का नाम कैसे जुड़ गया। तो दरअसल यहाँ पर जासमिन भसीन, राहुल और दिशा का जो वीडियो अली ने शेयर किया है उसमें जासमिन कुछ बोलती हुई नजर आ रही हैं जो कि क्लियर नहीं है, लेकिन उसी के बाद दिशा जो है राहुल से सवाल करती हैं कि क्या सिद्धार्थ इस बार भी आएगा, जिसके बाद राहुल हाँ बोलते हैं और जासमिन फिर पीछे से बोलती हैं जब तक मनीषा रहेगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, यही कुछ कॉन्वर्सेशन हुई है जिसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला फैंस भड़क गए हैं कि आखिर सिद्धार्थ शुक्ला को इस तरीके से लंच टेबल पर क्यों किया जा रहा है डिस्कस। क्या उनके डिस्कशन के बिना नहीं हो सकता है किसी का लंच भी। उसी के अलावा हम आपको बता दें कि किस तरीके से जासमिन भसीन के फैंस भड़क गए अली गौनी पर कि अगर कोई लंच टेबल पर प्राइवेट कॉन्वर्सेशन चल रही है तो कम से कम आप स्टोरी डालते समय इस बात का ख्याल तो रखें कि क्या कॉन्वर्सेशन चल रही है। आपकी वजह से जासमिन भसीन को किया जा रहा है अब्यूज, और आपकी वजह से उनको ट्रोल किया जा रहा है, और जब आपकी बहन को, आपके फ्रेंड्स को ट्रोल किया गया था तब आपने एक स्टैंड लिया था, आज जासमिन के लिए आप स्टैंड नहीं लेंगे। जी हाँ, कुछ इसी तरीके की बातें चल रही हैं, कुछ इसी तरीके की चर्चाएं चल रही थी ट्विटर पर, जिसके बाद जासमिन भसीन के साथ साथ मनीषा नाम भी ट्रेंड होता हुआ नजर आया। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन है मनीषा, तो हम आपको बता दें क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं ये, जो कि कलर्स और एंडमॉल की टीम के साथ एसोसिएटेड रहती हैं और बिग बॉस को प्रोड्यूस करती हैं। वहीं जब सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस सीजन 13 का हिस्सा थे तो आसिम रियाज और सिद्धार्थ के बीच में जितनी भयानक जंग छिड़ी थी उसके लिए कहीं ना कहीं मनीषा को जिम्मेदार ठहरा, मतलब उसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला विनर हो गए थे उसके लिए कहीं ना कहीं मनीषा को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था, बिकॉज शी हैड रियली गुड रिलेशनशिप विद सिद्धार्थ शुक्ला। तो भाई यहाँ पर क्या फिर से एक बार जैस्मिन ने कंफर्म कर दिया है कि सिद्धार्थ शुक्ला को किया जाता है बिग बॉस में फेवर। खैर, आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस पूरी खबर के बारे में, जल्दी से लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। बाकी मैं चैनल के साथ जुड़े रहिए, ऐसी कई सारी खबरें हैं लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे।